मेहंदीपुर बालाजी भाई बोला जाता है, भूत प्रेतों का जो हनुमान जी भूत प्रेत जिसमें आते हैं उनकी शरण में आते ही वो ठीक हो जाता है। देख लीजिए आप, चिल्लाने की आवाज़ें आती रहेंगी यहाँ पे। ये नक्शा पास हुआ है जो कि न्यू रेलवे स्टेशन का है, बालाजी की मार्केट, और यहाँ आपको बालाजी का अपना निशान भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई, सारे ने स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में, और मैं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई फिलहाल मैं हूँ रिंगस। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पैदल यात्रा की थी भाई, हमने रिंगस से खाटू श्याम जिसे स्वर्ग की यात्रा बोला जाता है वो वीडियो भी जरूर देखना। और परसों हम पहुँचे थे रिंगस, और उससे पहले भाई खाटू श्याम जी की पूरी कहानी और मेहंदीपुर बालाजी की कहानी वो भी आ चुकी है, अपने चैनल पर जाके उसको भी देखें। तो रिंगस से भाई आप जा सकते हो जयपुर पहले, फिर आपको जयपुर से बांदी को जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ अमरापुर अरावली एक्सप्रेस से, जो कि 7:55 का टाइम है, ये ट्रेन है और जयपुर पहुँचा देगी वो। फिर जयपुर से हम जाएंगे आगे बांदीकुई, बांदीकुई से फिर ऑटो वगैरह बस में बैठ के जो भी है वो आगे की जर्नी में बताऊंगा आपको। तो फिर मिलते हैं भाई और करते हैं बालाजी के दर्शन। यहाँ भाई आप रिंगस ट्रेन से आओगे ना, तो आपको उतरते ही मतलब ये लगा लो 10-15 मिनट जब स्टेशन रह जाएंगे तब उससे पहले ही जय श्री श्याम जय श्री श्याम को नारे, और फिर क्या नाम, उतरते ही तो भाई क्या गूज़बम्स मोमेंट आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सभी भक्त श्रद्धालु तेज तेज जय श्री श्याम के नारे लगाते हैं भाई। भाई जयपुर उतर गया मैं भाई, एक नंबर की ट्रेन है, 9:10 पे उतार जाए, 9:20 की टाइमिंग है, सुपर फास्ट है ये। गंगानगर से चलती है और बांद्रा जाती है, मुंबई बोरीवली और ये सब होके अमरापुर अरावली एक्सप्रेस आपको जयपुर उतार देगी 9:20 पे, और अजमेर उतारेगी ये लगा लो कि लगभग 12 बजे के आसपास। बिल्कुल बढ़िया ट्रेन है भाई, मैंने तो जर्नल में टिकट ली थी, 40 रुपये की टिकट थी अपना रिंगस से जयपुर की। अब यहाँ से मेरे को बांदीकुई जाना है, तो जो मेरी ट्रेन थी ना 10:30 वो लेट होगी, वो करीबन 12 बजे आएगी, तो 2.5 घंटे तो मैं वेट कर नहीं सकता। तो मेरे को ये देखना है कि मैं जाऊँगा कैसे, बस से या ट्रेन से, जो भी है मतलब बताता हूँ फिर आपको, या फिर आप यहाँ कुछ घूम भी सकते हो अगर आपकी ट्रेन लेट है तो। ये नक्शा पास हुआ है जो कि न्यू रेलवे स्टेशन का है, जो कि अभी बनेगा। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, मतलब हद ही तो सुंदर लग रहा है, दिख रहा है एक नंबर। देखो यार बिल्डिंग, और भाई साहब देखो ये पूरे में नक्शा है पूरा, देखो ये ग्राउंड है और देखो ये प्लेटफॉर्म, देखो ओ भाई साहब मतलब हद। और ये दिखाता हूँ आपको आगे का मतलब लुक कैसा रहेगा ये, ओ भाई गजब यार, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। भाई मैं खड़ा हूँ फिलहाल जयपुर बस स्टैंड, सिंधी बस स्टैंड कहते हैं। देखो ये देखो सामने वो है ना जो दिख रहा है, वो मेट्रो स्टेशन है। और भाई फिलहाल मैं जा रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी, तो मैं डायरेक्ट मेट्रो मिल जाती तो यार बढ़िया हो जाता, लेकिन बस से जा रहा हूँ वकड़ी भाई। 134 रुपये किराया है एक बंदे का, और डायरेक्ट जयपुर से डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी मिल जाती है, तो ये भी सही है यार कि बांदीकुई नहीं जाने पड़ेगा, डायरेक्ट बालाजी मिल रही है, वो भी बढ़िया चीज़ है। भाई फिलहाल बालाजी और पहुंच गया भाई, और जो बस थी उसने हमें बालाजी मोड़ पे उतार दिया था, और क्या नाम वहाँ से फिर ऑटो लो तो भाई ऑटो ले ले, मतलब जीप चलती है 15 रुपये सवारी, बाकी पैदल आओ तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पास में ही है बिल्कुल, अपना ये लगा लो 1 किलोमीटर के आसपास ही है। अब आगे मिलेगा भाई भाई सन्नी भाई गोहाना से, तो वो वेट कर रहा है भाई मेरी। और भाई आते टाइम ना मतलब जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी आओगे तब भाई साहब एक नंबर की टनल है, खूब अंदर तक मतलब खूब एक तरफा डेकोरेशन की टनल है भाई, बेहतरीन वाली। सच कहूँ तो दिल खुश हो गया। बालाजी की मार्केट, और यहाँ आपको बालाजी का अपना निशान भी मिल जाएगा, देखो जय श्री राम का, और ये गदा भी मिल जाएगा जो हमारे हनुमान जी रखते हैं। मेहंदीपुर बालाजी भाई बोला जाता है भूत प्रेतों का, जो हनुमान जी भूत प्रेत जिसमें आते हैं उनकी शरण में आते ही वो ठीक हो जाता है। देख लीजिए आप, चिल्लाने की आवाज़ें आती रहेंगी यहाँ पे, देख लो कैसे हो रखा है। इसमें ऊपरी पराई शक्ति है ना, वो मेहंदीपुर बालाजी में आके और ठीक हो जाती हैं। लाइन देखो भाई, करीबन देखो वहाँ से और वहाँ तक, कहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी,
पूरी लाइन है भाई साहब, कितनी लंबी लाइन है, करीबन 1 से 2 किलोमीटर के आसपास की लाइन मिलेगी आपको। जो मिला भाई अपना बड़ा भाई सन्नी बकरे भाई, ले जा भाई ले जा, ये राम दरबार है और ये मेहंदीपुर बालाजी। तो भाई बाकी दर्शन करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं नहा धोके रेस्ट करूँगा फिलहाल। कब से आए हो सर आप? सुबह आ गया था भाई, हमारी वेट कर लग रहा था। तो भाई कोई मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।